स्वागत है आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शरद पवार एनसीपी अध्यक्ष बने रहेंगे या उनकी जगह कमान कोई और संभालेगा, इस पर सस्पेंस अभी भी जारी है। मुंबई में एनसीपी की बैठक कल फिर होगी। इससे पहले एनसीपी नेताओं ने आज एक बार फिर पवार से अपने पद पर बने रहने की अपील की। हालांकि एनसीपी का कोई भी नेता भरोसे के साथ नहीं बोल पा रहा है कि वो पवार को मनाने में कामयाब हो पाएंगे। शरद पवार अपनी पार्टी की कमान बेटी सुप्रिया सुले को देंगे या एन वक्त पर भतीजा कोई खेल कर देगा या फिर किसी तीसरे नेता की एंट्री होगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शरद पवार का इस्तीफा क्या बेटी सुप्रिया सुले का रास्ता साफ करने के लिए है या चाचा पवार ने भतीजे पवार के लिए कुर्सी छोड़ी है? क्या शरद पवार के मन में कोई तीसरा नाम भी है जो अभी सामने नहीं आया है? महाराष्ट्र के इस सियासी विस्फोट के बाद एकनाथ शिंदे का क्या होगा, देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा, महाराष्ट्र में कांग्रेस कहां टिकेगी? सबसे बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे के लिए है। अगर पवार ने उंगली छोड़ दी तो ठाकरे खानदान मंझधार से कैसे बाहर आएगा? शरद पवार ने वाईबी चौहान सेंटर में जो कहा और उससे चार दिन पहले जो कहा, सारे डॉट्स को मिलाएंगे तो ये बात क्लियर होती है कि महाराष्ट्र में मिटेगी अघाड़ी, पवार ही असली खिलाड़ी। बीजेपी पवार की राह देख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने राह देखनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्या होने वाला है। ये सारी चीजें जब तय होगी उसके बाद ही इसके ऊपर हम कमेंट देंगे। क्या 24 से पहले महाराष्ट्र में नया अलाइनमेंट होने जा रहा है? क्या मोदी की पार्टी और शरद पवार की पार्टी साथ आ सकती है? पवार क्या डिसीजन लेने वाले हैं एग्जैक्टली, ये सिर्फ पवार को पता है। इसका थोड़ा थोड़ा अंदाजा भी अधिक से अधिक चार लोगों को ही पता है। इनमें से पहली शख्सियत है शरद पवार की धर्मपत्नी प्रतिभा पवार, दूसरी है शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, तीसरे शख्स हैं शरद पवार के भतीजे अजीत पवार और नंबर चार पर है शरद पवार के पोते रोहित पवार। महाराष्ट्र की फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली का इक्वेशन आगे बताते हैं, उससे पहले महाराष्ट्र का पॉलिटिकल इक्वेशन समझाते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी का साथ आना बीजेपी के लिए पॉजिटिव है, ये एनसीपी के लिए भी पॉजिटिव है, मगर ये राहुल गांधी के लिए शुद्ध रूप से नेगेटिव है। सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए है। संजय राउत के इस टिप्पणी पर गौर कीजिए। पवार ने रोटी पलटने की बात कही थी लेकिन पूरा तवा ही पलट दिया। ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। अगर किसी पार्टी के अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देता है तो उसके ऊपर दूसरे पार्टी के नेता या दूसरे पार्टी के लोग अपनी राय नहीं देते, वो उनका अंतर्गत निर्णय होता है। लेकिन शरद पवार के साथ हमारे जो रिश्ते हैं माननीय पवार साहब के साथ, वो मैं इतना ही कहूँगा कि शरद पवार हमेशा इस राज्य के राजनीति में, देश के राजनीति में शिखर पुरुष रहे, सामाजिक कार्य बड़ा रहा है। सिर्फ पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है पवार साहब ने, राजनीतिक संन्यास नहीं लिया है, मैं इतना ही कहूँगा। पवार साहब किसी पद पर बैठते इसलिए बड़े नहीं है ना, मैं इतना ही कहता हूँ। ये शरद पवार है, एक स्तंभ है, एक शिखर है। शरद पवार साथ नहीं होंगे तो मोदी के खिलाफ ऑपोजिशन का यूनाइटेड फ्रंट, थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट बनाने का पूरा प्लान ही पंक्चर हो जाएगा। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र में लोकसभा की 23 सीटें जीती थी। अभी बीजेपी का एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन है, लेकिन बीजेपी का इंटरनल सर्वे कहता है कि शिंदे के साथ लोकसभा चुनाव में जाना रिस्की है। शिंदे के साथ गए तो प्रदेश की 22 सीटें तो हारेंगे ही हारेंगे, यानी बीजेपी की फाइट 48 में से 26 सीटों पर रह जाएगी। दूसरे सिनेरियो में अगर बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन हो गया तो 24 के चुनाव में यह गठबंधन 48 में से 46 सीटें भी जीत सकता है, यानी राहुल की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में सिर्फ 2 सीटों तक सिमट सकती है। एक तीसरा सिनेरियो भी बनता है जिसमें बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन न हो लेकिन 3 पार्टियों की अघाड़ी टूट जाए। यह सिनेरियो भी मोदी के लिए फायदेमंद है। विपक्ष की अघाड़ी टूटेगी तो मोदी की भगवा गाड़ी सरपट भागेगी।
अजित उभव असू नये आणि इतकी वर्ष संजीव निराळे याच्या नंतर अंतिम विधानसभेच्या समितीची भूमिका मी कधी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थ कदाचित वाटेल पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदावर निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला. पवार के इस्तीफे से वाईबी चौहान सेंटर में इमोशनल सीन क्रिएट हो गया. शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने के लिए एनसीपी नेताओं कार्यकर्ताओं के बयान आने लगे. सबसे भावुक अपील एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने की. पवार साहेबांच्या नावाने मत मागतो. पक्षाला मत पवार साहेबांच्यामुळे मिळतात. आज पवार साहेब बाजूला गेले आम्ही कुणाला घेऊन समोर लोकांचं जायचं हा आमचा पहिला प्रश्न. अजूनही पवारसाहेब यांनी पक्षाचं प्रमुख नेतेपद राहणं हे महाराष्ट्रापुरतंच नाही तर देशातल्या राजकारणासाठी देशातल्या जनतेसाठी आणि वेगळ्या राज्यातल्या लोकांच्यासाठी देखील गरजेचं आहे. एनसीपी में दबंग छवी रखने वाले जितेंद्र आव्हाड पवार के लिए रोने लगे. कुछ ही देर में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन होने लगे. शरद पवार के घर सिल्वर ओक के बाहर भी एनसीपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगने लगा. नारेबाजी शुरू हो गई. वाईबी चौहान सेंटर में बहुत कुछ ऐसा भी दिखा जिसे शरद पवार दुनिया को नहीं दिखाना चाहते होंगे. शरद पवार के एक सपोर्टर ने उनके लिए नारा लगाना शुरू किया तो अजीत पवार ने उसे डांटकर उसके हाथ से माइक छीन लिया. इससे पहले शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले कुछ कहना चाह रही थी तो अजीत पवार ने सुप्रिया को भी चुप करा दिया. अरे वेड्यांनो तुम्ही विनंती करू शकता मी आणि सुप्रिया आम्हाला म्हणतील बस खाली आम्हाला बोलून देणार आहेत का ते कठीणच झालं. अजित पवार एनसीपी के मंच पर शरद पवार और प्रतिभा पवार के साथ बैठे थे. कुर्सी भी बराबरी की लगाई गई थी. इससे ये तो साफ है कि अजित पवार का कद क्या है. अजित पवार की बात सुनकर सुप्रिया नीचे जमीन पर बैठ गई. इसके बाद अजित पवार ने एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से पवार के इस्तीफे का सम्मान करने की अपील कर दी. पवार साहेब अध्यक्ष नाही म्हणजे पक्षामध्ये नाही असं भागच येत नाही. आज काँग्रेसमध्ये अध्यक्ष खडगे पण काँग्रेस चालली सोनियाजींच्याकडे. बावनी होण्याचं काही कारण नाही. हा प्रसंग कधी ना कधी येणार होता. अजित पवार एनसीपी के दबंग नेता हैं लेकिन शरद पवार के सामने ही उनका विरोध शुरू हो गया. अजित पवार अपनी लाइन पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए. चार घंटे के अंदर अंदर पार्टी में ऐसा मूड बन गया कि अजित पवार को टोन डाउन करनी पड़ी. सिल्वर ओक में शरद पवार के बंगले पर जब मीटिंग हुई तो अजित पवार ही मीडिया के सामने भेजे गए. शाम में अजित पवार ने क्या कहा इसे सुनेंगे तो समझ में आएगा कि शरद पवार राजनीति के किस चाणक्य का नाम है. ने साहब को बताया कि साहब कार्यकर्ता बहुत नाराज हुआ है. कार्यकर्ता को कहना है कि आप प्रेसिडेंट रहो और एक्टिंग प्रेसिडेंट किसी को बनाओ यानी कार्याध्यक्ष बनाओ और वो काम करेंगे. आप उसको आशीर्वाद देंगे पार्टी का भी काम चलेगा. साहब ने उसके बारे में सबका सुनने के बाद उन्होंने बताया कि अभी आप भुजबल साहब मैं भुजबल साहब और रोहित पवार उसको बताया कि आप तीनों वहां जाओ सुप्रिया के साथ बात करो और मेरा जो मैसेज है वो सब कार्यकर्ताओं को दो कि आप यहाँ से जो बैठे वहां से अपने अपने घर चले जाओ. आपकी जो मांग है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए उसके लिए मुझे 2-3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा. ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल तक विपक्ष के सभी नेताओं ने 24 के लिए जितने भी अलायंस फॉर्मूले बनाए सबके फॉर्मूले में पवार जरूर फिट थे. मोदी के दुश्मन दो राज्यों को लेकर सबसे ज्यादा पॉजिटिव थे 40 सीटों वाला बिहार और 48 सीटों वाला महाराष्ट्र. लोकसभा की 88 सीटों पर मोदी की पार्टी पहले से ही डाउन होती दिख रही थी. इन दो राज्यों में बीजेपी के पास 40 सीटें हैं. बीजेपी यहां अगर 20 सीटों पर रह जाती तो मोदी के लिए 300 पार करना मुश्किल होता. बिहार में नीतीश और तेजस्वी यादव की सरकार अभी हिल नहीं रही.
लेकिन पवार के एक फैसले से महाराष्ट्र के समीकरण बदल गए। वो फैसला भी ऐसा है जो अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। कहा कि कोई भी इस्तीफा ना दे, कोई भी जो है अनशन के ऊपर यहाँ भूखा नहीं बैठा है, मुझे दो तीन दिन जो है विचार करने दो मेरे निर्णय के बारे में, तब तक जो है सब लोग शांति रखे। कौन कौन थे सर मीटिंग में? अजीत दादा था, भय था, प्रफुल्ल पटेल था, धनंजय मुंडे था, गडकरी था। यहाँ जो लोग बैठे थे वो सब देख रहे थे वहाँ पे। दो तीन दिनों का वक्त पार्टी में बिल्कुल बात नहीं हुई थी। मैंने बल्कि पवार साहब को अभी स्टेज पे जब ये सारी ये घटना चल रही थी तभी मैंने उनको पूछा, मैंने बोला आपने हमसे बात भी नहीं किया, तो बोले मैंने अगर बात किया होता तो आप लोग हाँ बोलते क्या मुझे, तो ऐसा भी उन्होंने मुझे मतलब बोला। खैर वो बात जो भी है, हम लोग बहुत मतलब जिसको कहते हैं कि परेशान हैं, दुखी हैं। हमारे जब उन्होंने बोला तो कुछ मिनटों तक तो हमको समझ में नहीं आया कि अब इसका रिएक्शन क्या देना, क्या बोलना, क्या सोचना। लेकिन एक बात निश्चित है, हम सब लोग प्रमुख लोग उनके पास जाएंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसे हमको किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को ये निर्णय के बारे में पता नहीं था। एकाएक साहब ने ये निर्णय लिया और उसके लिए हम सभी पवार साहब को आग्रह कर रहे हैं कि इसका अपने पुनर्विचार करना चाहिए। सबकी मांग है कि शरद पवार साहब ही राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि उनकी जरूरत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को है, उनकी जरूरत महाराष्ट्र को है, उनकी जरूरत देश को है। क्या शरद पवार अपनी विरासत बेटी सुप्रिया सुले को सौंप देंगे? क्या पवार ने भतीजे की महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए यह दांव चला? सुप्रिया सुले कांग्रेस के करीब हैं, अजीत पवार को बीजेपी की नजदीकी अच्छी लगती है। सुप्रिया सुले सॉफ्ट स्पोकन है, पार्टी में सभी उनको चाहते हैं, लेकिन अजीत पवार पार्टी पर कंट्रोल बनाकर चलते हैं। पवार अगर अड़े रहे तो कांग्रेस चाहेगी कि सुप्रिया सुले अध्यक्ष बने, बीजेपी चाहेगी कि अजीत पवार के हाथ में कमान आए। वो बड़ा नेता है, वो क्या करेंगे ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना उनके सामने रखना, अपनी खुद की भावना उनके सामने रखना, ये मेरा फर्ज है और वो मैंने निभा रहा हूँ और पूरे महाराष्ट्र में बोल रहा हूँ। मैं पवार साहब को भी बता देना चाहता हूँ कि उग्र आंदोलन होंगे कल से, हमारे थाने में लोगों ने उपोषण के लिए बैठ गए, उपोषण के लिए। आखिर वो बाप है, नहीं नहीं वो कुछ भी बोले तो भी हमको हम नहीं सुनेंगे। आपको लगता है 2024 से पहले पवार साहब का इतना बड़ा कदम उठाना एमबीए के लिए सबसे बड़ा झटका हो सकता है? देखो कोई झटका बिटका नहीं होगा, वो रहेंगे, वो ये नाव संभाले रहेंगे, वो एमबीए को सत्ता पे बिठाएंगे, ये सब सही है, लेकिन वो हमें उसी पद पे कायम चाहिए। एनसीपी में कई ऐसे नेता हैं जो पक्के पवार भक्त हैं और पक्के बीजेपी विरोधी हैं। अगर वो अजीत पवार के साथ नहीं आए तो अजीत पवार के साथ रहेगा कौन? अरे बनने का सवाल ही नहीं उठता बाबा, अभी आपने सुना ना मैंने जो कुछ कहा तो नहीं 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 मुझे बिल्कुल उसमें मैं काम नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं उठता, सोचने का भी सवाल नहीं उठता, क्या बताऊं। ये दूसरा मौका है जब अजीत पवार को चाचा ने गच्चा दे दिया। उत्तराधिकार की लड़ाई में अब सुप्रिया सुले अजीत पवार से आगे होंगी, क्योंकि शरद पवार अपने मन मुताबिक फैसले लेंगे। पवार पार्टी अध्यक्ष पद पर नहीं होंगे तो भी राजनीति में तो रहेंगे ही, ये सेमी रिटायरमेंट होगा, ठीक उसी तरह जैसे कर्नाटक में येदुरप्पा रिटायर हो चुके हैं लेकिन आज भी सबसे पावरफुल हैं। 2004 में प्रधानमंत्री का पद ठुकराने के बाद जैसे सोनिया गांधी की पावर और ज्यादा बढ़ गई थी, उसी तरह शरद पवार ने भी अपना रुतबा बढ़ा दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।